नमस्कार दोस्तों, द कृषि चौपाल के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं पंजाब के मौसम का ताज़ा अपडेट। पंजाब में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम विभाग ने हीट वेव और गर्मी को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि पंजाब में हीट वेव का असर दिखना शुरू हो गया है। शहरों का तापमान लगभग 42 से 44 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। गर्मी के हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने आज यानी कि शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी कर रखा है, जबकि शनिवार से चेतावनी ऑरेंज में परिवर्तित हो जाएगी। कल के लिए जारी की गई चेतावनी के अनुसार हीट वेव पारे को और बढ़ाएगी। मौसम विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार पंजाब के बठिंडा का पारा 44 डिग्री से पार पहुंच गया है, जबकि अमृतसर व लुधियाना में तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं आज अधिकतर शहरों का तापमान 43 से 44 डिग्री को छूता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं शनिवार से लेकर अगले मंगलवार के बीच ज़्यादातर शहरों का तापमान जो है 45 डिग्री सेल्सियस को पार करने वाला है। बढ़ रही गर्मी के बीच पंजाब के स्कूलों में छुट्टी को लेकर भी घोषणाएं कर दी गई है, जिसके अनुसार 1 जून से लेकर 30 जून तक पंजाब के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं 1 जून को पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। बढ़ रहे तापमान के बीच चुनाव आयोग भी वोटरों को सुविधाएं देने के लिए जुट गया है। चुनाव में इस बार टेंट, पंखों, सिटिंग एरिया और पीने के पानी आदि की सुविधाएं चुनाव केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिनों तक जो है पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों में हीट वेव का असर देखा जा सकता है, जिसके चलते जो है अभी पंजाब के लोगों को अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों, आज के मौसम समाचार में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा और सटीक जानकारी समय समय पर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।